नमस्कार, आप सभी का फिजिक्स मैथ लेक्चरर के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 12वीं के गणित अध्याय 5 सांतत्य एवं अवकलिनता का दूसरा प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 5.2 यानी एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करना है तो उसके लिए मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में फार्मूले को बताया था, जो कि ये फार्मूला आपको दिया गया है। ठीक है, इन्हीं फार्मूलों के सहायता से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक इन्हीं सूत्रों के द्वारा सॉल्व होने वाला है। जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है उसका हम, जब 9 नंबर आएगा तो हम सूत्र बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग चलिए क्वेश्चन 1, 2, 3 इस तरीके से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यही प्रयोग में आएगा, तो इस चीज को अभी आप नहीं लिखे हैं तो इस चीज को लिख सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा यहां पे लिख दिया है। इसमें पहले में ये कहा है कि x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में तो इतना ही दिया गया होता है, साइन x स्क्वायर प्लस 5, तो उसको हम किसी दूसरे चर के बराबर मान लेते हैं, तो इसे y के बराबर मान लेंगे। ठीक है ना, किसके बराबर मानेंगे, y के बराबर। कोई भी सवाल हो अवकलन की तुरंत उसे y के बराबर मान लीजिए, किसी भी चर राशि के बराबर मान लेते हैं जो यहाँ पे ना हो। इसको t के बराबर भी मान सकते थे, ठीक है, इसे z के बराबर भी मान सकते थे, यानी किसी भी चर राशि के बराबर आप इसे मान सकते हैं जो कि दाहिने ओर ना हो। जैसे x है ना, तो x बराबर नहीं मानेंगे, यहाँ y है तो इसे x बराबर मान लीजिए। अब इसमें ये कहा है कि x के सापेक्ष अवकलन, तो देखिए अगर x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसका अवकलन करते हैं। अवकलन मैंने बताया था शॉर्टकट में आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसे लिखेंगे ddx ऑफ y बराबर ddx ऑफ साइन x स्क्वायर प्लस 5। अब देखो जरा ddx ऑफ साइन x, मैंने जो है ये सूत्र पढ़ा है, क्योंकि ddx ऑफ साइन x बराबर होता है cos x, ठीक है ना, ddx ऑफ साइन x बराबर cos x। यहाँ पर देखिए जरा आप, यहाँ x है तो d के बगल में x, तो बराबर cos x। लेकिन अगर यहाँ वाली राशि और यहाँ वाली दोनों अलग अलग हैं तब ये बराबर cos x नहीं होगा। अगर यहाँ x स्क्वायर प्लस 5 है तो यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस 5 होना चाहिए, नहीं है तो करिए, जैसे घर का नमक खत्म हो जाता है, कोई भी सामान खत्म हो जाए तो लाते हैं कि नहीं, ऐसे इसमें भी लाना पड़ेगा। जैसे देखिए ये x स्क्वायर प्लस 5 है ना, ये कहाँ होना चाहिए, d के बगल में। अगर ये चीज़ d के बगल में आ जाता है तब सूत्र लग जाएगा। देखो यहाँ x, तो यहाँ x बराबर cos x, यहाँ x स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ भी x स्क्वायर प्लस 5, तो बराबर cos x स्क्वायर प्लस 5। अब देखो जरा, तब क्या करोगे, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 से गुणा करेंगे और डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 से भाग करेंगे। पहले तो ये सेम टू सेम लिख लो, डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 से गुणा डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 से भाग। अब इस चीज को आप यहां पर ले आओ, इसको यहां पर,
तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, यानी क्या करेंगे रिप्लेस टू प्लेस करेंगे। अब इसमें जैसे ही आप रिप्लेस टू प्लेस करते हो, इस चीज को यहां पे, इसको यहां पे कर दो, तो हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। अब ये देखो यहां पर हो गया, इसको यहां पे करो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, यानी इसको हम यहां पर कर दिए और इसको यहां पर, तो ऊपर डी और नीचे इसका वाला डी एक्स। अब यहां पर भी एक अवकलन बन गया। अब ये डी डी एक्स एक अवकलन है, इस डी डी एक्स का गुणा, यहां पर कितने पद हैं, दो हैं, तो डी डी एक्स का गुणा इसमें भी करिए, इसमें भी करिए, ठीक है ना। और यहां पर आप देख रहे हैं सूत्र लग जाएगा, कौन सा सूत्र, ये लगेगा देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, और यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है, यहां एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है, तो बराबर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। तो इतने में हम ये जब सूत्र लगाएंगे तो यहां पर हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। मेरे प्यारे बच्चों, इतनी सरल विधि है कि इससे सरल विधि अवकलन सॉल्व करने की विधि आपको मिलने वाली नहीं है, बहुत ही आसान है ये। इस रूल से अगर आप काम करेंगे तो जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि किसी भी बड़ी से बड़ी सवाल को आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए डी डी एक्स का इसमें गुणा करिए, इसमें करेंगे तो मैं ये कोष्टक छोटा हटा के बड़ा लगा दिया, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ फाइव, और यहां पर हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, टू एक्स, और डी डी एक्स ऑफ अचर, देखो डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन का सूत्र लगाना है यहां पे, यहां पे डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, यानी चर की घात अचर है ना, ये चर की घात अचर, तो देखो चर की घात अचर, तो यन बगल में आ जाता है, फिर यस घाते यन में से घटा देते हैं, इस तरीके से मैंने दो बगल में कर दिया, एक घाते दो में से घटाएंगे एक आ जाएगा, और किसी भी अचर राशि का अगर अवकलन करते हैं तो उसका शून्य हो जाता है। दो एक्स में अगर जीरो जोड़ेंगे तो दो एक्स हो जाएगा, और ये लिख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब देखें, अब हम लोग इसका अवकलन करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, क्लियर है। यहां पर देखिए हमें यह सूत्र लगाना है, यहां पर लिखा है डी डी एक्स ऑफ कॉस, इसको मान लेते हैं अगर एक्स, तो यहां पे कौन सा सूत्र लगेगा, ये देखो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। अब ये सूत्र यहां पे कब लगेगा, जब यहां वाली वैल्यू और डी के बगल वाली वैल्यू बराबर होगी, यहां देखो साइन एक्स है तो यहां भी साइन एक्स होना चाहिए, देखो यहां एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, यहां साइन एक्स है तो कॉस तो रहा ही करेगा, यहां साइन एक्स है तो यहां भी साइन एक्स होना चाहिए, तभी बराबर होगा माइनस कॉस ऑफ साइन एक्स। तो देखो डी के साथ हम गुणा करेंगे, भाग करेंगे, बराबर डी डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स। अब ये कहां जरूरत है, यहां पे डी के बगल में, तो हम डी साइन एक्स से गुणा करेंगे और डी साइन एक्स से भाग करेंगे। अब रिप्लेस टू प्लेस कर दीजिए, इसको यहां पे कर दो, इसको यहां पे, तो ये हो जाएगा डी डी साइन एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स डी साइन एक्स अपान डी एक्स। अब ये सूत्र क्या मिलता, देखो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, यानी जो चीज यहां है वही डी के बगल में, तो बराबर क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, यानी एक्स यहां तो बराबर माइनस साइन एक्स, अगर यहां साइन एक्स है एक्स के स्थान पे, डी के बगल में भी साइन एक्स है, तो बराबर साइन ऑफ साइन एक्स,
तो देखो ये सूत्र, अगर आप ये सूत्र यहां पे अप्लाई करोगे तो हो जाएगा साइन ये वाला और एक्स के स्थान पे यहां पे माइनस लगा देते हैं, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स सब लोग जानते हैं ये होता है कॉस एक्स। तो इस तरीके से इसका हमारा आंसर मिल जाता है, क्या है, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व करें तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहां पर अगर देखें तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का सूत्र लगेगा और यहां एक्स की बजाय क्या है ए एक्स प्लस बी, तो d के साथ ए एक्स प्लस बी से भाग करिए और d के साथ ए एक्स प्लस बी से गुणा करिए, d ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स प्लस बी, मैंने यहां पे डायरेक्टली कर दिया, ठीक है ना, मैं d ए एक्स प्लस बी से भाग किया गुणा किया, देखो यहां का dx यहां लिख दिया और d ए एक्स प्लस बी से गुणा d ए एक्स प्लस बी से भाग, मतलब जो रिप्लेस टू प्लेस कर रहे थे देखो इन सब में क्या किया, गुणा भाग किया फिर रिप्लेस टू प्लेस, यहां पे डायरेक्ट रिप्लेस टू प्लेस कर दिया। अब यहां पे देखो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी जो यहां पे सूत्र लगाए थे वही यहां पे लगाओगे ये वाला, देखो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स के स्थान पर क्या है ए एक्स प्लस बी, यहां भी ए एक्स प्लस बी तो बराबर कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी डी डी एक्स का गुणा इसमें भी करिए इसमें भी करिए, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ए एक्स डी डी एक्स ऑफ बी कॉस ए एक्स प्लस बी, ए अवकलन से बाहर कर दो और डी डी एक्स ऑफ ए, यहां पे अचर का अवकलन शून्य होता है, तो देखो कॉस ए एक्स प्लस बी और ए गुड़े डी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू वन, और अगर आप इतने में जीरो जोड़ोगे तो इतना ही आएगा, ए का गुणा वन में करो ए, ए शुरू में लिख देते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के ये हमारे आंसर हो गए, इसके दूसरे का ये आंसर है, तीसरे का ये है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फोर का अवकलन लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ सेक ऑफ टेन अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक फार्मूला बताया था कि डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये देखिए थोड़ा इधर लिख लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी यहां पे वही फार्मूला लगेगा, कब लगेगा अभी देखो इस फार्मूले में क्या दम है, यहां पर एक्स है तो डी के बगल में एक्स है तो बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, अगर यहां पर एक्स के अतिरिक्त तो कोई भी संख्या आ जाता है सेक तो रहेगा ही, लेकिन अगर एक्स के स्थान पर जैसे टेन अंडर रूट एक्स आ गया, जैसे यहां देखो ये टेन अंडर रूट एक्स, या एक्स के स्थान पे अंडर रूट एक्स कर दे तो डी के बगल में अगर अंडर रूट एक्स नहीं है तो ये सूत्र नहीं लगेगा, और नहीं है तो करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे एक्स है और एक्स के स्थान पे क्या है टेन अंडर रूट एक्स, तो टेन अंडर रूट एक्स सेक टेन अंडर रूट एक्स और डी के बगल में टेन अंडर रूट एक्स होना चाहिए, तभी बराबर होगा सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन टेन अंडर रूट एक्स। तो देखो उस फार्मूले को लगाने के लिए जो चीज यहां है वही डी के बगल में करना पड़ेगा, तब क्या करोगे sec tan
अंडर रूट एक्स। अब उस फार्मूला यहां पे तभी लगेगा जब इतने का गुणा डी के साथ करोगे, तो हम डी टेन अंडर रूट एक्स से गुणा और डी टेन अंडर रूट एक्स से भाग। दूसरी चीज यहां रिप्लेस टू प्लेस कर देंगे, इसको यहां पे, इसको यहां पे, तो ये हो जाएगा डी टेन अंडर रूट एक्स सेक टेन अंडर रूट एक्स, डी टेन अंडर रूट एक्स अपान डी एक्स। अब देखो डी डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, यानी एक्स के स्थान पे क्या है यहां पे टेन अंडर रूट एक्स है, तो इतना बराबर क्या लगेगा। और दूसरी चीज यहां पर भी देखो, अभी यहां पे ये सूत्र लग जाएगा अब, क्योंकि ये और ये गुणांक बराबर हो गया, लेकिन यहां पर देखो डी डी एक्स ऑफ टेन अंडर रूट एक्स, अगर ये अंडर रूट ना लगा होता तब हो जाता डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। ये देखो ये सूत्र यहां पर ये लगेगा डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, यानी अगर यहां एक्स है तो यहां भी एक्स होना चाहिए, अगर यहां पे कुछ और है यहां पे एक्स है तो सूत्र नहीं लगेगा, तभी लगेगा जब आप जो यहां पे एक्स के स्थान पर है वही यहां पे बनाएंगे। तो देखो अगर ये अंडर रूट एक्स डी के बगल में आ जाए तो काम बन जाएगा, तो हम डी अंडर रूट एक्स से गुणा कर देंगे और डी अंडर रूट एक्स से भाग कर देंगे। क्लियर है? अब इसको कहां चाहिए, यहां पर, तो इसको यहां पर करेंगे और इसे यहां पर रिप्लेस टू प्लेस। तो देखो एक मिटा के अंडर रूट एक्स बना दो और यहां पे क्या कर दो डी एक्स। क्लियर है? एक ही लाइन में मार दो, पूरी सवाल सॉल्व हो जाए, पूरा कचड़ा सफा। मैंने बताया था ना, अगर आपके पास थोड़ा सा भी बुद्धि है तो अपने आईक्यू का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी सवाल को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये अंडर रूट है ना, अगर कोई चीज ऐसे लिखा है अंडर रूट एक्स तो एक लिख सकते हो ये घात एक बटे दो, तो यहां पे अंडर रूट लगा है मिटाओ और एक घात एक बटे दो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब यहां पे सूत्र लिखो डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो हो जाएगा सेक एक्स एक्स सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन, ये वाला टेन, ये एक्स के स्थान पर ये पूरा है टेन अंडर रूट एक्स। डी डी एक्स आप टेन एक्स का सूत्र लगाओ यहां पे, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, ये वाला सूत्र लग जाएगा। अब यहां पे कौन सा लगेगा ये देखो, डी डी एक्स आप एक्स के पावर एन बराबर एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, तो चर की घात या चर का है तो यहां पे लगाओगे तो ये एक बटे दो बगल में आ जाएगा, और यह घात एक बटे दो में से एक घटाओगे तो माइनस एक बटे दो आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है आंसर। और क्वेश्चन नंबर फाइव यहां पे हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट हो जाता है। अब देखो जरा फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव को सॉल्व करेंगे और यहां पर लिखेंगे y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी। क्लियर है? अब इसका आकलन करो, और इसमें एक खासियत ये दिख रही है कि ऊपर भी चर का फलन है नीचे भी है, तो अंश बटे हर का सूत्र लगेगा, तो इसका आकलन कर दो डी डी एक्स डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी। अब यहां पे अंश बटे हर का सूत्र लगाओगे तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अंश बटे हर का मैंने सूत्र बताया था डी डी एक्स आप अंश बटे हर बराबर हर इंटू डी डी एक्स आप अंश माइनस अंश इंटू डी डी एक्स आप हर बटे हर का होल स्क्वायर, यानी ऊपर का फलन बटे नीचे का फलन, तो ये अंश है ये हर है, तो यहां पे हर लिखेंगे
हर 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 महादेव, पहले लिख दीजिए नीचे का निरीक्षक साफ अंश साइन ए एक्स प्लस बी, फिर माइनस अंश, अंश की वैल्यू साइन ए एक्स प्लस इंटू डी डी एक्स ऑफ हर, हर की वैल्यू क्या है ये देखो, ये है कॉस सी एक्स प्लस डी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी पूरे का होल स्क्वायर। तो यहां पर आप देख रहे हैं डी डी एक्स आप अंश बटे हर का मैंने जब सूत्र लगाया तो ये आ गया, ये सूत्र मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले से ही। अब यहां पे इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो फटाफट इतने का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद जो है हम ऊपर वाला रफ करेंगे, ये रफ कर दें, बिना रफ किए तो कुछ होने वाला नहीं है, जब कुछ होने वाला नहीं है तो आगे काम होगा नहीं, और आगे काम होगा नहीं तो सवाल लगने वाली नहीं है, सवाल लगने वाली नहीं है तो आप पास होने वाले नहीं हैं, और पास होने वाले नहीं इसका मतलब फेल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं भाई इस सवाल को, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखो कॉस सी एक्स प्लस डी, देखो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का सूत्र तभी लगेगा जब डी के साथ ए एक्स प्लस बी से गुणा और ए एक्स प्लस बी से भाग करेंगे। यहां पे कौन सा सूत्र लगे, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और एक्स के स्थान पे ये पूरा कचड़ा आ गया, इस कचड़े को कहां पर होना चाहिए, डी के बगल में, तो डी ए एक्स प्लस बी से गुणा और डी ए एक्स प्लस बी से भाग करो, कचड़ा आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है आप लोगों को। ए एक्स प्लस बी, डी ए एक्स प्लस बी बाई डी ए एक्स प्लस बी माइनस, ये तो लिख देंगे सेम साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखो डी कॉस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का सूत्र तभी लगेगा यहां पे जब ये चीज काम होगा डी के बगल में, तो डी सी एक्स प्लस डी से गुणा कर देंगे, एक बार पहले लिख देते हैं डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखो ये चीज क्या होना चाहिए डी के बगल में, तो डी सी एक्स प्लस डी से गुणा सी एक्स प्लस डी से भाग बटे बटे ये नीचे वाली वैल्यू कॉस, इस चीज को हम ऐसे लिख देंगे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखिए रिप्लेस टू प्लेस, इसको यहां पर इसको यहां पर, क्योंकि जो चीज यहां है वही डी के बगल में होना चाहिए, ऐसे ही ये जो है यहां पे कर देंगे, इसको यहां पे कर देंगे, तो यहां लिखेंगे कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी डी ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स प्लस बी डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और इसको भी यहां से यहां करिए रिप्लेस टू प्लेस, तो डी सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी डी सी एक्स प्लस डी अपान डी एक्स, और इस तरीके से नीचे वाली वैल्यू लिख देंगे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब आगे देखो इसका अवकलन करोगे तो मिलेगा कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका अवकलन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, तो एक्स के स्थान पे एक्स प्लस बी है तो यहां लिख देंगे कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, यहां पे डायरेक्टली कर लेते हैं, देखो थोड़ा इधर से अलग से देख लो डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी,
अंदर गुणा करोगे डी डी एक्स का तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ए एक्स और डी डी एक्स ऑफ बी। ए यहाँ पे ए अचर राशि है अवकलन से बाहर और डी डी एक्स ऑफ एक्स और अचर का अवकलन शून्य, तो एकर वैल्यू वन हो जाएगा। वन का मल्टीप्लाई ए में, तो ए का गुणा वन में करोगे ए और प्लस में जीरो जोड़ोगे तो भी ए आएगा। यानी अगर इसको सॉल्व करें तो क्या मिल जाता है, ए माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। और यहाँ पे सूत्र लगाओगे तो डी डी एक्स आपका आ सकता बराबर माइनस साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। दूसरी चीज डी डी एक्स आप सी एक्स प्लस डी को सॉल्व करेंगे तो जैसे ए एक्स प्लस बी में ए बचा था ऐसे सी एक्स प्लस बी में सी बचेगा बटे बटे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखिए हमारे पास जगह का भाव है लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा कुछ डायरेक्टली कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको माइनस मिटा के यहाँ प्लस कर दो, बस यही आंसर हो गया, आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। तो फटाफट आप इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।